अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ईएम टैग और आई टैग को पढ़ेंगे। ईएम टैग और आई टैग क्या होता है और इनमें फ़र्क क्या है और एचटीएमएल में इनका यूज़ कैसे करते हैं आज के लेक्चर में सीखेंगे। मैं फैसल रहमान, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और एचटीएमएल को स्टेप बाय स्टेप आसान वे से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, बेसिक कोडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं डाटा टाइम बेस में हो, तो आज हम ईएम टैग और आई टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो ईएम टैग और आई टैग सेम है, ठीक है, इनका काम जो सेम है और इनमें फर्क क्या है वो एंड में बताऊंगा। जैसे कि देखिए, ये करेक्टर है डॉक्यूमेंट, अब मैं इसको टेढ़ा करना चाहता हूँ, टैलिक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए पहले हमने आई टैग पढ़ा हुआ, तो पीएम टैग यूज करेंगे। हाँ, इसके एंड को मैं इसको क्लोज कर लूंगा, इसको कंट्रोल एस करूंगा। अब यहाँ आके इसको रीलोड करूंगा तो ये देखें दोस्तों, डॉक्यूमेंट जो है वो टेढ़ा हो गया। इसी तरह फर्ज करें, इसमें एक वर्ड्स है कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं इसको भी टेढ़ा करना चाहता हूँ तो आई टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा। अब यहां से इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, तो दोस्तों देखें, कॉम्प्लीमेंट और डॉक्यूमेंट में कोई फर्क नहीं। आई टैग और ईएम टैग जो होते हैं, ये इनकी जो काम होता है, जो वर्क होता है, वो सेम होता है। तो दूसरे लफ्जों में, सिंपल लफ्जों में, इनमें फर्क क्या है कि ईएम टैग जो है वो थोड़ा हार्डली किसी भी ऑब्जेक्ट को टेढ़ा करने के लिए या टैली करने के लिए यूज होता है, और आई टैग जो है वो सॉफ्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को टेढ़ा करने के लिए यूज होता है। यानी कि सिंपल लफ्जों में, सादा लफ्जों में ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को सीधे तरीके से इटैलिक करना है, ठीक है, आसानी के साथ नॉर्मल तरीके से, ठीक है, यानी कि नॉर्मली। तो उसके लिए हम इटैलिक यानी कि आई टैग यूज करते हैं, और अगर हार्डली यूज करना तो उसके लिए ईएम टैग यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।